हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि चेस्ट एक्सरे क्यों किया जाता है। कुछ सिम्टोम्स के कारण का पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरे पहला टेस्ट है। तो उसमें खांसी में खून, बुखार, सांस फूलना, छाती में दर्द, लगातार खांसी। तो डॉक्टर इस टेस्ट की सलाह निम्न स्थितियों में देते हैं: फेफड़ों, हृदय और छाती की दीवारों के स्वास्थ्य की जाँच करने के लिए रूटीन चेकअप रूप में या फिर सर्जरी से पहले, किसी भी रोग की प्रगति देखने के लिए या फिर ट्रीटमेंट किस तरह से कार्य कर रही है जानने के लिए, सर्जरी के बाद फेफड़ों की जांच के लिए, इम्प्लांट पेसमेकर की तारों, छाती की ट्यूब या अन्य आंतरिक उपकरणों को लगाने के लिए, फेफड़ों की टूटी हुई हड्डी चोट को देखने के लिए, निकले हुए दांतों को पदार्थ देखने के लिए जैसे सिक्के, विशेषता बच्चों में पीए व्यू, सबसे सामान्य व्यू है आउट फेफड़ों, मध्यस्थानिका, थोरासिक कैविटी और रक्तवाहिकाओं की तस्वीर लेने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि एपी व्यू की सलाह उन लोगों को दी जाती है जो कि किसी बीमारी के कारण या फिर नली डालने के कारण खड़े नहीं हो सकते। तो कैसे लगे आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो? ऐसे वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।